भारत और विश्व इतिहास में 22 अगस्त का खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं। आज का दिन भारत देश के लिए बड़ा दुखदायक रहा है, क्योंकि इसी दिन अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव मद्रास में रखी थी। फिर यहाँ से सफलता हासिल करने के बाद कई सालों तक भारत पर राज किया। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में भारत से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। 1608 में उसका पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुंचा। यहां से कंपनी ने मसाले का व्यापार शुरू किया। इसके बाद लगातार भारत में अपनी कंपनी का विस्तार करते रहे, मगर कंपनी को पहली बार सफलता 22 अगस्त 1639 में हुई, जब 1639 में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि चंद्रगिरी के राजा से कुछ जमीन खरीदी। इसी के साथ इन्हें गोदाम व किले बनाने की अनुमति भी दे दी गई थी। इसके लगभग एक साल बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर सेंट जॉर्ज किला बनवाया, बाद में जो कंपनी के औपनिवेशिक गतिविधियों का गढ़ बन चुका था। हालांकि 1746 में मद्रास और सेंट जॉर्ज किले पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया, मगर 1749 में कंपनी ने एक संधि के तहत इसे दोबारा हासिल कर लिया। 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज के आसपास इलाके जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। फिर उन्होंने यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी कायम किया। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान मद्रास एक आधुनिक शहर और महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हो चुका था। बाद में 1996 में राज्य सरकार ने मद्रास का नाम बदलकर इसे चेन्नई कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आज के ही दिन गाजी मलिक ने खुसरो को हराकर तुगलक वंश की नींव रखी थी। 1320 में गाजी मलिक ने खिलजी वंश के आखिरी शासक नसीरुद्दीन खुसरो को शिकस्त दिया और तुगलक वंश की नींव रखी थी। फिर 8 सितंबर 1321 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहरहाल सुल्तान बनने से पहले गाजी मलिक मुबारक खिलजी के राज में सीमान प्रांत का गवर्नर था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी। इसके कई युद्धों में अपनी बहादुरी और साहस का परिचय भी दिया था। मगर अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश के सुल्तान सुचारू रूप से नहीं चला सके। फिर गाजी मलिक ने खिलजी वंश का खात्मा करते हुए तुगलक वंश का उदय किया। गाजी मलिक सुल्तान बनने के बाद गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर हुए। इसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर को कायम किया था। गयासुद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। इन्होंने किसानों के हित के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। दिलचस्प यह है कि गयासुद्दीन ने लगभग 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था, जिसमें 1305 में हुए अमरोहा का युद्ध भी शामिल है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से लेकर 1325 तक दिल्ली के सुल्तान के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। इसकी मौत के बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।